अब खबर पर्यावरण की। अरावली पर्वतमालाओं से सभी प्यार करते हैं, पुष्कर की पहाड़ियों से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे प्यार ना हो, लेकिन अब हो सकता है ये पर्वतमालाएं सिर्फ किताबों या तस्वीरों में ही दिखाई दे, क्योंकि पुष्कर में खनन माफियाओं के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो दिन दहाड़े पुष्कर के पहाड़ों में ब्लास्ट कर धड़ल्ले से अवैध खनन करने लगे। इस खबर को करने के लिए एमटीटीवी इंडिया की टीम को फिल्म प्रोड्यूसर बनना पड़ा। इसके बाद हमारी टीम ने यहां की पड़ताल की और इस दौरान इन खतरनाक खनन माफियाओं से हमारी टीम का आमना सामना भी हुआ, लेकिन जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई। ये पुरोहिता पहाड़ी है जो अरावली पर्वतमाला के 5 मुख्य प्राकृतिक महत्व रखने वाले पर्वतों में से एक है। देखिए यहां कैसे एक के बाद एक 3 धमाकों के शोर से सनसनी फैली हुई है। इस बारूदी आवाज के बावजूद प्रशासन की हिम्मत तक नहीं जो यहां जाकर इन खूबसूरत पर्वतमालाओं को बचा सके। पुष्कर में यह अवैध खनन माफिया अरावली पर्वतमाला में थार के लिए बड़ा द्वार खोल रहे हैं, क्योंकि थार को केवल रोक रही है, इस पर्वतमाला के एक बड़े हिस्से को माफिया तेजी से काटे जा रहा है। अब देखिए वो जगह जहां खनन माफिया से हमारे आमना सामना हुआ, तो उससे पहले हम उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां अब विशालकाय पहाड़ है ही नहीं। उस पहाड़ी को किस तरीके से अवैध खनन चल रहा है, मैं बिल्कुल उस जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर एक चढ़ाई चढ़कर मुझे इस जगह पर आना पड़ रहा है। यहाँ लंबा चौड़ा पहाड़ था और अब पहाड़ की जो हालत है क्या रह गया है, पहाड़ यानी कि पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। यानी कि छोटा सा पहले एक ब्लास्ट किया जाता है और ब्लास्ट के बाद में देखिए आप किस तरीके से पहाड़ों को यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। ये पहाड़ों की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जो सावित्री माता के बिल्कुल सामने की तरफ पहाड़ी है। ये सामने आपको सावित्री माता का मंदिर दिखाई दे रहा होगा और इसके बिल्कुल सामने की तरफ ये पहाड़ी है एक, और इस पहाड़ी का अंधाधुंध अवैध तरीके से खनन जारी है। रात के समय यहाँ पर ब्लास्ट किया जाता है एक छोटा सा, ये बहुत बड़ा पहाड़ था जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन अब आप देखिए ब्लास्टिंग करने के बाद इस पूरी जगह को समतल सा कर दिया गया है। रात के समय में शाम होते यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, गतिविधियाँ यहाँ पर ट्रैक्टर आने शुरू हो जाते हैं। ये रास्ता देखिए आप, ट्रैक्टर का जिस रास्ते से मैं आपको लेकर आया हूँ, और इस जगह पर पहाड़ था लेकिन अब पहाड़ यहाँ से पूरी तरीके से गायब हो गया है। अवैध खनन लगातार यहाँ पर जारी है और जो पहाड़ है लगातार इसको ऊपर से भी लगातार ब्लास्टिंग धीरे धीरे ब्लास्टिंग की जा रही है और उसके बाद इस पहाड़ों को ख़त्म करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अब भी जागरूक लोगों ने यदि ये अवैध खनन नहीं रोका तो जल्द ही थार शहर की सीमा में प्रवेश करने में कामयाब हो जाएगा, जिसके बाद अरावली पर्वत के बढ़ते अवैध खनन से थार के रेगिस्तान का विस्तार आने वाले समय में बड़ी परेशानी बनकर हम सबके सामने आएगा। खनन माफियाओं ने अजयसर से खरखेड़ी और पुष्कर की ओर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ जो ऊंचे ऊंचे पठार थे उनको समतल कर दिया है। खनन की रफ्तार यही रही तो निकट भविष्य में हमारे लिए घातक परिणाम साबित होंगे। देखा जाए तो ये जो अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला है ये पूरे राजस्थान भर में आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। इसका एक पौराणिक महत्व, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व तीनों हैं। पौराणिक दृष्टि में पद्म पुराण में इस पर्वत का बड़ा उल्लेख है कि इसके किनारे सरोवर है और जितने भी सप्तऋषि हैं उन्होंने यहाँ तप किया था, तो ये अपना एक धार्मिक महत्व भी जगह रखती है। दूसरा भौगोलिक या आप प्राकृतिक महत्व आप समझना चाहें इसका, तो लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो इसी ये पर्वतमाला की श्रृंखला में है, और जो पुष्कर में ये 5 श्रृंखला के 5 मुख्य पर्वत हैं, जैसे नाग पहाड़ हुआ जिसे यज्ञांचल पर्वत कहते हैं, सावित्री, रत्नागिरी, चामुंडा और पापमोशनी और घड़ुम्बा, ये 5 ऐसे प्राकृतिक महत्व वाले पर्वत हैं जो पूरे राजस्थान के जो ये पुष्कर का क्षेत्र है इसकी प्राकृतिक मतलब एक तरह से मौसम को प्रभावित करते हैं ये, और कई जड़ी बूटियाँ आपको यहाँ पहाड़ों में मिलती है। हमारा MDS विश्वविद्यालय है, वहीं वहाँ के जो बोटनी के छात्र हैं वो कई बार रिसर्च करने आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे प्रजाति के पेड़ पौधे हैं जो और कहीं अन्यत्र नहीं मिलते।
दूसरा इसका भौगोलिक महत्व यह है कि पुष्कर सरोवर में जो जल आने का मुख्य स्रोत है वो इन पहाड़ों से रिस के किनारों से फीडर में आता है और फीडर से सरोवर में जाता है। क्या इसको महत्व है? बहुत ज़्यादा महत्व है। एक तरीके से अगर हम जो हमारा पुष्कर है वो उसको डार्क जोन घोषित कर दिया गया है तो इसका जल स्तर बहुत निम्न स्तर पर चल गया है और जब उसके उसका जो पानी है भूजल स्तर जब बढ़ता है तो ये पहाड़ों के जरिए जो पानी आता है कच्ची ज़मीन पर वो पानी ज़मीन में जाता है तो जो खेती है उसको भी फ़ायदा देता है और जब भूजल स्तर बढ़ता है तो उससे सरोवर में भी जल बढ़ेगा अन्यथा जल नीचे चल जाता है ज़मीन में सरोवर का। पूर्व में कई शिकायतें हो चुकी है लिखित में भी मौखिक में भी। कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने पूर्व में शिकायत करी मगर सत्ता में आने के बाद वो भूल गए अपने वादों को कि हम पहाड़ों से जो कटाव हो रहा है उसको बचाएंगे। इसका कारण है कि एक प्रशासनिक और राजनीतिक उदासीनता है इसके प्रति। जो सरकारी विभाग है वो जानकर भी अनजान हो जाते हैं इन मुद्दों पर। या मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के कहूँ तो कुछ गठजोड़ दिखाई देता है। तो संभवतः ये कारण है जिसके कारण आज पुष्कर के जो पर्वत हैं वो ख़त्म होने की कगार पर आते जा रहे हैं। पुष्कर में अवैध खनन काफ़ी समय से चल रहा है। इसमें प्रभुता नाम से एक पहाड़ी है जिसको स्थानीय लोग प्रभुता नाम से जानते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और पैसे कमाने के लालच में दिन रात वहाँ खनन कर रहे हैं। इसके संबंध में लेकर हमने पूर्व में उपखंड अधिकारी पुष्कर और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, अपनी समस्या बताई, लेकिन मात्र वे लिपापोती करके इस मुद्दे से भटक रहे हैं और ना ही ढंग से कोई कार्रवाई कर रही। इसी को लेकर हमने समय समय पर मांगें भी उठाई है लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं आपसे मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ लोगों को कि ये अपना व्यक्तिगत स्वार्थ का बात नहीं, पर्यावरण की रक्षा और धार्मिक आस्था का सवाल, इसमें हम सभी को एक होना चाहिए और आगे आके इस समस्या का समाधान करना चाहिए और इन भू माफिया खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी शक्ति एकता में हमारी शक्ति है। पवन टाक, पुष्कर।